पीडीए न्यूज के विशेष प्रोग्राम देश और दुनिया की बड़ी खबरों में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। तो चलिए शुरू करते हैं। इसरो एक और इतिहास रचने के लिए पूरी तरह से तैयार है। इसरो भारत के पहले ह्यूमन स्पेस फ्लाइट मिशन गगनयान के क्रू स्पेक सिस्टम की टेस्टिंग 21 अक्टूबर को सुबह 7 बजे से 9 बजे के बीच करेगा। ये मुख्य मिशन से पहले प्रायोगिक मिशन होगा। श्रीहरिकोटा के सतीश धवन केंद्र से पहला मिशन लॉन्च किया जाएगा। TVD1 में क्रू मॉड्यूल के अंतरिक्ष में भेजने और वापस लाया जाएगा। इस प्रायोगिक मिशन में गगनयान के अंदर का पूरा वातावरण उस तरह से नहीं है जिस तरह से मानवयुक्त गगनयान का होगा। उत्तर प्रदेश में शिक्षकों के लिए एक बड़ी खुशखबरी मिलने जा रही है। बेसिक शिक्षा विभाग ने परिषद विद्यालयों में तैनात शिक्षकों के भारतीय जीवन बीमा निगम से ग्रुप इंश्योरेंस करवाने के लिए नया प्रस्ताव भेजा है। दरअसल 1 अप्रैल 2014 के बाद तैनात शिक्षकों को सामूहिक बीमा का लाभ नहीं मिल रहा था। बेसिक शिक्षा परिषद के सचिव प्रताप सिंह बघेल की ओर से शासन को भेजे प्रस्ताव में कहा गया है कि पहले के ग्रुप इंश्योरेंस के तहत सिर्फ मृत्यु जोखिम का प्रावधान है, बचत का नहीं है। शिक्षकों के वेतन से हर माह या सालाना प्रीमियम की कटौती की जाएगी। उत्तर प्रदेश में महिलाओं की सुरक्षा को लेकर योगी सरकार पूरी तरह से गंभीर है। इसी कड़ी में प्रदेश में सौदों और मंचलों पर नकेल कसने के लिए एंटी रोमियो स्क्वाड ने विशेष अभियान चलाया। 6 महीने के इस अभियान में 1678 एंटी रोमियो स्क्वाड ने एक्शन लिया। इसमें 3324 पुरुष और 4090 महिला पुलिस कर्मियों शामिल थी। ये भी बता दें कि स्क्वाड ने सौदों की पहचान के लिए प्रदेश के 3076246 स्थानों की चेकिंग की। इस दौरान 7563 मुकदमे भी दर्ज किए गए, जबकि 9512 लोगों को गिरफ्तार भी किया गया। वहीं 48,92,991 व्यक्तियों को चेतावनी देकर छोड़ा गया। एंटी रोमियो स्क्वाड ने पूरे प्रदेश में जोन और कमिश्नरेट स्तर पर कार्रवाई की। कोरोना खत्म हो चुका है, लेकिन दूसरी लहर में डेल्टा वेरिएंट के संक्रमण के दौरान कोरोना के भयावता को याद करके लोग अभी भी कांप उठते हैं। जब अस्पतालों में मरीजों को बेड नहीं मिल रहे थे, हाल ही में चिकित्सा जगत में पहली और दूसरी लहर में कोरोना का कहर अब भी अध्ययन का विषय बना हुआ है। इसी बीच एम्स के डॉक्टरों के किए गए अध्ययन में बात सामने आई है कि कोरोना की पहली लहर की तुलना में दूसरी लहर में कोरोना के कारण करीब 12 गुना ज्यादा मौतें हुई थी। कैंसर कई तरह का होता है, जैसे ब्रेस्ट कैंसर, लंग्स कैंसर, यूट्रस कैंसर, सर्वाइकल कैंसर आदि। कैंसर की शुरुआत में कुछ कॉमन लक्षण होते हैं जिसकी मदद से इसका पता लगाया जा सकता है। आसानी से आप पता कर सकते हैं, जैसे कि बहुत थकावट महसूस होना, स्किन के अंदर गांठ जैसा महसूस होना, त्वचा का मोटा होना, अचानक वजन बढ़ना या कम होना, त्वचा पर नए तिल आना, तिल का रंग बदलना या उनमें से खून आना, मुंह में छाले होना जो काफी समय से ठीक नहीं हो रहे हों। इसके अलावा सांस लेने में तकलीफ होना, बोलने या निगलने में भी तकलीफ होना, रात में बुखार आ जाना। कभी भी अगर आपको ये लक्षण फील हो रहे हैं तो इन्हें आप बिल्कुल भी इग्नोर ना करें। एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया में अगर आप नौकरी करना चाहते हैं तो ये खबर आपके लिए है। दरअसल एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया में करीब 500 पदों पर भर्ती होने जा रही है। प्राधिकरण की तरफ से एक अधिसूचना भी जारी कर दी गई है। इच्छुक उम्मीदवार आधिकारिक वेबसाइट पर जाकर ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। रजिस्ट्रेशन 1 नवम्बर से शुरू होंगे, जबकि आवेदन पत्र और फीस जमा करने की आखिरी तारीख 30 नवम्बर तक होगी। हाल ही में सरकार ने इस महीने की शुरुआत में YouTube, X और Telegram समेत कई प्लेटफॉर्म को नोटिस जारी कर भारत में अपने प्लेटफॉर्म से बाल यौन शोषण सामग्री को हटाने के लिए कहा था। अब इस पर YouTube का रिएक्शन आ गया है। YouTube ने कहा है कि कई जांच के बावजूद उसे अपने प्लेटफॉर्म पर बाल यौन शोषण से संबंधित सामग्री का पता नहीं चला है और उसे नियामकों से वीडियो स्ट्रीमिंग प्लेटफॉर्म पर ऐसी सामग्री का सबूत भी नहीं मिल पाया है। अब खबर है क्रिकेट लवर्स के लिए। जी हाँ, आज हम आपको बताएंगे उन गेंदबाजों के बारे में जिन्होंने क्रिकेट के इतिहास में सबसे तेज गेंद फेंकने का रिकॉर्ड कायम किया है। न्यूजीलैंड के तेज गेंदबाज शेन बॉन्ड ने वर्ल्ड कप 2003 के दौरान 156.4 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से गेंद फेंकी थी। साथ ही टीम इंडिया के तेज गेंदबाज मोहम्मद शमी ने जिम्बाब्वे के खिलाफ साल 2003 में 156.4 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से गेंद फेंकी थी।
टाइगर 3 के ट्रेलर में कैटरीना कैफ को एक लेडी के साथ टॉवल में लड़ते देखा जा सकता है। इस एक्शन सीन की खूब तारीफ भी हो रही है। कैट के साथ इस सीन में फाइट करने वाली लड़की कोई और नहीं बल्कि ब्लैक विडो की एक्ट्रेस मिशेल ली है। आपको बता दें कि सोशल मीडिया पर एक फैन की तरफ से मिशेल की फोटो के साथ उनके टाइगर 3 में कैटरीना से फाइट करने की जानकारी शेयर की है। मिशेल अमेरिकन एक्ट्रेस है, एक्शन सीन में उनकी तूती बोलती है और उन्हें द गर्ल फ्रॉम नेक्ड आई और वेनम जैसी फिल्मों में उन्होंने काम किया है। इसके अलावा वो मार्टल कम्बैट लेगेसी जैसी कई बेहतरीन फिल्मों में भी नजर आ चुकी हैं। अंकिता लोखंडे और विकी जैन बिग बॉस की जर्नी शुरू कर चुके हैं। सलमान ने अंकिता से पूछा कि क्या 105 दिन के लिए वो 200 जोड़ी कपड़े लेकर आई हैं, जिसके जवाब में अंकिता कहती हैं कि नहीं सर, इतने तो नहीं हैं। आगे सलमान कहते हैं 100 जोड़ी नाइट सूट और मैचिंग मेकअप एक्सेसरीज लिपस्टिक। उनके जवाब में एक्ट्रेस कहती हैं सर ये तो सब लोग लेकर आए होंगे, मैं अकेली नहीं हूँ। और चांदी का ग्लास, इस पर अंकिता ने कहा कि उनकी प्लानिंग है कि वो दिन में 3 बार जो है वो ड्रेसेस बदलने वाली हैं। सुबह 10 से 2 बजे के कपड़े मेरे अलग होंगे, 2 बजे से मैं ट्रैक सूट और पैंट में नजर आऊंगी और रात को जैसे ही 8 से 9 बजेंगे तो मैं नाइट सूट में दिखूंगी। पाकिस्तान इस वक्त आर्थिक तंगी से जूझ रहा है। इसी कड़ी में लाहौर के मीनारे पाकिस्तान में PMLN पार्टी को 21 अक्टूबर को एक रैली आयोजित करने की अनुमति मिल चुकी है। इस दौरान 4 साल बाद लंदन से देश लौटे पूर्व प्रधानमंत्री नवाज शरीफ समर्थकों को संबोधित करेंगे। बताया जा रहा है कि शरीफ ने आर्थिक संकट से जूझ रहे देश को बाहर निकालने के लिए एक योजना बनाई है, जिसका खुलासा वो इस रैली में करेंगे। देश दुनिया की बड़ी खबरों में आज के लिए बस इतना ही। अभी के लिए इजाजत दीजिए, नमस्कार।